ये जगह इनकी। कोई भी हम में से हारा तो वो गंजा हो जाएगा। यारा मतलब चार होल कान के होंगे, एक यहाँ का। देखो तैबा तो आज भी अपना पिंक कलर मना रही है। 12 बजे इनको स्कूल से छुट्टी हो जाती है, आते ही वापस से अपना वही कस्टर्ड खा रही है, पिंक कलर के कपड़े भी वापस से पहन लिए। आज भी आपका पिंक डे है। भर फ्रिज में पड़ा रहा है ना, तो ये और मजीद ठंडा और मजे का बना हुआ है। तो अभी तैबा जाने वाली है मायो मेहंदी पर। एक इसके अलावा ये हो गया, ये भी इसने एक ही बार पहना था शादी में। तो बाकी ये तो अभी गांव की शादी में तैयबायत के लिए मैंने दोनों सेम लिए थे, जैसे मायो मेहंदी के फंक्शन के हिसाब से ये सही दफा पहना था। देखो टैग भी लगा हुआ है उतना नहीं। एक ये और एक ये दोनों शॉपर में डाल कर दे दो। आयत नहीं जा रही, बस तैयबा जा रही। आप क्या करने जाओगी? आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ट्यूशन नहीं गई, तो मायो मेहंदी पे जाना है आपको। फंक्शन पे जरूरी जाना है। तो ये रहा हमारा शाम का अदरक वाला कावा। और इसके अलावा ये देखो मैंने आज पहना है अपना ये येलो कलर का सूट। रमजान के महीने में इसको मैंने स्टिच कराया था, तब तो मैं नहीं पहन सकी, सोचा आज पहनूं। और आज मैंने पोनी भी देखो कुछ ऐसा की। चलो चलते हैं अपनी बैल्कनी में बैठे। यहाँ पर आओ ना, कोई आए ना आए, नोबिता ने पहले भाग कराना है। और आज पता है हमने ये बैल्कनी भी अपनी साफ कराई। दोबारा से काले काले बादल बन गए, बारिश हो सकती है। 1-2 दिन ही ऐसे गुजरते हैं और उसके बाद फिर काले काले बादल और फिर से बारिश शुरू हो जाती है। बच्चा भी आ गया आज, पता क्या किया हमने ना, ये अपनी पूरी ना वॉश करा, ये पूरा ये नीचे ना ये कारपेट निकलवाए रमजान को बोल के। मैंने कहा पूरा कारपेट आज निकाल दो और पूरा इसको नीचे से धोया, कारपेट सारा अच्छे से साफ किए। मम्मा का काम हो गया। आज अपनी पूरी बैल्कनी जो है ना हमने आज अपनी वॉश कराई है, तो देखो अब कितनी प्यारी लग रही है। नबीता यहाँ आंटी के घर धोकर आ जाता है, कहीं नहीं जाता। तैयबा के कपड़े देने। हाँ अभी फोन आया टीचर का। हाँ वो आज जा रही है ना फंक्शन अटेंड करने अपनी टीचर का। निकाल कपड़े निकाल के मुझे दे दे, मैं दे जाता हूँ। आई थी के झूले पे बैठ के कावा पीऊंगी, अंदर ही मैं चली जाती हूँ। एक मिनट मुझे गुजरने दो, हम नीचे ही बैठकर। अब झूला नहीं देना, झूला लगेगा आपकी मम्मा को। आज मुझे एक और काम के लिए भी जाना। कहाँ बताऊंगी अभी, चलोगे ना मुझे? आज मम्मा को नहीं लगे, आपको कावा पिलाऊंगी उसके बाद। देखो यहाँ पर हरियाली में ना मेरे सूट का कलर कितना प्यारा लग रहा है ना, येलो येलो। आपके साथ पलके मैचिंग कर लिए दोनों का येलो हो गया। तो चलो पीते अदरक वाला हमारा स्पेशल कावा। दिन में ना अब मैं इसको 2 से 3 दफा लेती हूँ। ओ हवा चलना शुरू हो गई, हवा चलना शुरू हो गई, लगता है बारिश होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खैर खैरियत से। तो सोचा हमने कि आज हम अपनी बैल्कनी में साफ सुथरी हुई है, धुली हुई है, वॉश हो गई है, तो हमने सोचा यहाँ पर बैठ के अपना कावा पीते हैं। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, दोबारा से बारिश वाला मौसम। रात से येलो कलर की शर्ट पहन के इनको देख के आज मैंने भी फिर येलो ही पहन लिया। आपका येलो अलग है, पापा का येलो अलग है। येलो कलर पापा हमेशा ओरिजिनल कलर पहनते हैं। कल पिंक पहना था ना, आज येलो पहना, तो मैंने दोनों का मिक्स पहना है। इतने जल्दी खत्म भी कर लिए। फूल ये फूल का सीजन ही नहीं है हमारे, फूल ही नहीं आते। पर्पल वाले ये पर्पल अभी आप बाहर जाएंगे ना, देखा आपको गर्म हवा लगेगी। तो चलो यहाँ पर हो गया हमारा कावा खत्म, अब चलते हैं यहाँ से। मौसम इतना प्यारा हो रहा था कि हम नीचे आ गए हैं, और नीचे हमने कल ही अपने गार्डन की सफाई कराई है। पूरे 500 देकर मैंने अपना गार्डन साफ कराया है। मुस्तफा आप ध्यान से आराम से जाओ यहाँ से। गली में हमेशा अक्सर आते जाते ना माली ऐसे दरवाजा खटखटा के पूछते हैं कि कोई भी गार्डन की साफ सफाई करवानी हो, हर 15 दिन या महीने में 1-2 चक्कर लगाते हैं। तो कल जैसे यहाँ से गुजरे ना, तो उन्होंने कहा गार्डन साफ करवाना है, 500 के अंदर साफ करके दे। बस मशीनें होती है ना, तो उन्होंने पूरी अच्छे से कटिंग कर दी और पूरा जो है इसको साफ सुथरा कर दिया, वरना इसमें ना जंगली घास जो होती है इतनी ज्यादा उग के आ गई थी। जब हम आए थे ना, ये हमारा क्रिसमस ट्री कितना छोटा सा था, ये कोई इतना था, और अब देखो ये कितना माशाल्लाह से इसने ग्रो कर लिया ना। ऐसे ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा भी चलना शुरू हो गई है, तो चलो चलते हैं बाहर, कहीं निकलते हैं। काम बताया था ना कि मुझे कहीं जाना है, कोई काम है, तो आगे चलकर बताते। और बच्चे यहाँ पर पार्क में खेलने के लिए गए हुए हैं। तो चलो ये रही हमारी काली गाड़ी, आजकल ये बाहर होती है। साइड के कोई बादल देखो माशाल्लाह से, यहाँ पे बीच में कोई लाइट्स जलाई हुई हो, बादलों के बीच में जैसे ना ये येलो येलो यहाँ पर एक बल्ब लगाया हो। इस मेरी ब्लैक गाड़ी का तो एक अलग ही लुक है, क्या खूबसूरत गाड़ी लगती है। ये गाड़ी ना सिर्फ मुझे ही सूट करती है। इतनी खूब
खूबसूरत लगती। चलो अभी मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। पहुँच गए, दिल बैठा जा रहा था, गर्मी हो रही थी तो हमने सोचा थोड़ा सा ये पी लेते हैं। ठंडा ठंडा जो है ना, हम ये मिंट फ्लेवर का जूस पी लेते हैं आज अपनी नोज प्रेसिंग कराने के लिए, नाक की छिदाई कराने के लिए, जो कि बहुत टाइम से सोच रही थी और कभी दिल डर रहा था, कभी सोच रही थी कराऊं कभी नहीं। मेरी जब शादी हुई थी ना तो यहाँ नाथ पहनाई जाती है ना, तो वो उस टाइम पे भी मेरी नाक की छिदाई नहीं हुई थी, तो वो चुटकी वाली थी पहनाई थी, और जैसे वो दूध पिलाई वाली रस्म होती है ना, दूध पिलाने लगी और फौरन वो हाथ में आ गई। याद है आपको जब आपसे मेरी शादी हुई थी और दूध पिलाई की रस्म में फौरन हाथ में आ गई, तो फिर मैंने इसको पहना ही। फिर मुझे कोई अपनी शादी के 8-9 साल बाद जाकर दिल किया कि अब जो है ना नोज प्रेसिंग करानी चाहिए, तब मैंने कराया था और फिर मैंने कोई 8-9 महीने रखा। और फिर से वो क्या हो गया कि मैं मेकअप की वीडियोज बनाती थी और बार बार ना मेकअप लगता था उसमें नोज पिन में, और वो खराब हो जाती थी बार बार, तो उसको निकाल के जो रखा ना वो नोज पिन भी गुम हो गई और फिर ये भी बंद हो गया। अब ना कब से दोबारा से फिर दिल कर रहा था नोज प्रेसिंग का, तो फाइनली आज सोचा है, तो अभी चलते हैं, बस ये थोड़ा सा जूस पी लें। साथ साथ ना मेरा ना ये भी दिल कर रहा है कि ये भी मेरे 3 थे ना 3 होल थे, अब इसमें एक बचा हुआ है, ये दोनों भी सारे ना बंद हो गए। अब दोबारा से दिल कर रहा है कि इन दोनों का भी दोबारा से करा दूं। एक कान या दोनों? दोनों साइड के ना, कान का नाक का होगा, उसके बाद ये दोनों होल पीछे वाले बंद हो गए, ये पहला सही है, पीछे 2 मतलब 4 होल कान के होंगे, 1 यहाँ का होगा। पता चलेगा, कोका पहनूंगी या तो फेस पूरा सूजा हुआ बाहर आ गया। क्या करेगा, हम यहाँ पर आकर पहुँच चुके हैं, पूछना पड़ेगा नोट कर लो उससे। इनको तोप रखनी चाहिए। क्यों? तोप के गोले से सिलाई कर। 5-6 साल हो गए, 5-6 साल पहले करा। लेफ्ट ट्रेडिशन है तो वो चांदी की तार से होता है, वो हाथ से भी करते हैं। हाथ से तार डाल दे, लेकिन तार नहीं, स्पेसिंग इसी होगी, तार पे बाद में डलेगी। ये जगह इनकी पहले हुआ बंद कर दिया, चांदी के उसकी प्रेसिंग नहीं हुई, बच गए। नहीं, सारा सामान मेरे पास आया था, गन भी आई थी, हर एक चीज मेरे पास आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे संभारा, तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि दिन का जो टाइम है ना वो बहुत अच्छा होता है, रात में कभी भी नोज प्रेसिंग मत कराओ, उससे ये है कि स्वेलिंग ज़्यादा होगी, आपका सोने का टाइम होता है स्वेलिंग ज़्यादा होगी। और इसके अलावा एक और बात भी बताती हूँ जिसकी वजह से, और दूसरा रीज़न ना ये भी था कि मैंने ना नोज़ की प्रेसिंग पहले कराई हुई है ऑलरेडी, तो वहाँ पर जो है ना दोबारा से छेद करना है, तो उसके लिए जो है ना मैंने कहा कि ना मुझे वो पिन मत डाल के, तो जो बाली होती है ना पिन मत डालें, जो बाली होती है ना वो बाली डालें, तो उन्होंने बाली से ना डायरेक्ट छेद करना पड़ेगा, गन से नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा फिर गन से ज़्यादा अच्छा ना वही बाली वाला है, कि वो उससे ना दर्द कम होगा, गन से दर्द ज़्यादा होता है, और एक्सपर्ट हैं वो, और चांदी की बाली डालेंगे और जो होल हुआ हुआ है ना ऑलरेडी उसी में दोबारा से उन्होंने प्रेस करके करना है दोबारा, तो उसके लिए उन्होंने मुझे दिन का टाइम दिया, कल फ्राइडे, कल ऑफ है, तो कोई चांस नहीं लेना, दिन में आना है, तो फिर अभी हम वापस जा रहे हैं। ये सारा सीन हुआ है, बचा तो भी बचा, मुझे वरना तो सारा उन्होंने इतना बड़ा बॉक्स आकर मेरे सामने रखा है जैसे कोई मैं ऑपरेशन कराने के लिए गई हूँ, एक एक चीजें निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैं सबके कमेंट रीड कर रही हूँ अपने हस्बैंड के फोन से, और थैंक यू सो मच, ये जो कल हमने पिंक चैलेंज किया उस पे इतने कोई पॉजिटिव प्यारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत मजा आया आज व्लॉग का पिंक चैलेंज देख के। नेक्स्ट चैलेंज साजिद 24 आवर्स सेइंग यस टू सितारा, ये तो बड़ा अच्छा आइडिया दिया, ये मुझे आपके साथ करना पड़ेगा। वो क्या होता है? 24 घंटे आपको मुझे यस 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 करना पड़ेगा सारा यासीन को, मतलब मैं जो भी बोलूं आपने कोई काम मना नहीं करना, ये उल्टा सीधा जो भी हो यस यस यस। हाँ चैलेंज पिंक मोमोज पिंक ड्रेस वेरी इंटरेस्टिंग, सितारा आज से तुम्हारा नाम क्वीन ऑफ पॉजिटिविटी है, जिसका व्लॉग देखते वक्त सिर्फ फेस पे स्माइल होती है और टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता। थैंक यू सो मच सितारा, आप तो बिल्कुल गुलाब का फूल लग रही हो, माशाल्लाह आज अपनी नज़र उतार लें, नहीं तो लोग हसद में पता नहीं कौन कौन सी सर्जरी करा लेंगे। लाइक सितारा द क्वीन, जस्ट फोकस ऑन योर व्लॉग एंड फैमिली। वाओ माशाल्लाह पिंक थीम जबरदस्त, सितारा पिंक ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो, और हैप्पी फैमिली विद, अच्छा इनका है वेरी वेरी नाइस शेयरिंग ऑफ पिंक चैलेंज, वेरी नाइस। नेक्स्ट टाइम यूज बीटरूट जूस फॉर पिंक कलर, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मंजुला तो आंटी का कमेंट आया, वेरी नाइस आइडिया, वेरी गुड पिंकी सितारा, कुछ थोड़ा अलग कंटेंट पे काम करना ही चाहिए, गॉड ब्लेस इट। थैंक यू मेरी प्यारी सितारा, 20+
मिंट्स का व्लॉग बनाया। हाँ, काफी सारे मुझे कमेंट आ रहे थे, तो इस तरीके से ना बहुत सारे कमेंट आए हैं, इतने कोई अच्छे अच्छे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए थैंक यू सो मच। एक कमेंट मुझे ये भी आ रहा था कि हर वीक जो है ना कोई कलर का चैलेंज करें, नेक्स्ट चैलेंज आप ग्रीन कलर में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। घर पर आए तो हमारा व्लॉग चल रहा है, नोबिता व्लॉग देख रहे हैं, मान रही है हमारी पिंक कश्मीरी चाय। जैसे हम घर आकर पहुंचे, रमजान ने बनाया था हमारे लिए कावा, गेम खेलेंगे और जीत तो वाकई मेरी होगी, देखते हैं। और हमारे साथ गेम में ये दोनों भी हैं, कावा बना कर लिए हैं, कावा रख दिए, कावा भी साथ में पियेंगे। तुम्हें खेलनी आती है? खेलनी आती है पहले बता दो। मैं घर पर खेलती थी, खेलती थी। कहती है मैं नहीं खेलूंगी, मैं शर्त वाले खेलूंगा। ठीक है, कहती है मैं शर्त जीत गई तो आइसक्रीम खिलाना, हार गई तो कहती है शर्त वर्त कोई नहीं। ऐसा करेंगे जो हारेगा ना इधर से आंखें बांधेंगे पट्टी से और मार्केट से जाके सामान लेके आएगा, आंखों में पट्टी बंधा के बाइक पे लेकर जाएंगे, छोड़ देंगे नीचे। नहीं नहीं, कोई और चैलेंज रखते हैं। आज हमारी तैयबा गई हुई है मायू मेहंदी के फंक्शन पे अटेंड करने गई अपनी टीचर के साथ, आज के स्कूल की टीचर है ना उनकी शादी का फंक्शन है। आज तो गई नहीं है फिर तैयबा को उनकी टीचर लेके, क्योंकि वो टीचर भी आपस में बेस्ट फ्रेंड है, तो उनके फंक्शन से गया। तो गई, मैं पहले से ही प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, फर्स्ट रमजान अंकल आएंगे। नहीं, ये दोनों खिलाड़ी पक्के बैठे हुए, पहले मेरी मुस्फा, मैं स्टार्ट करूं। अच्छा ठीक है, करो। नहीं, दो दो खेलो ना, दो दो खेलो। आएंगी आंखें बंद करके मार्केट से सामान लेके आना, बाइक पे बिठा के वहाँ छोड़ देना। हाँ, बार मैं बल्ले उधर से फिर घर से घर आना। नहीं, गाड़ी में गाड़ी के नीचे जाओ, नाले में जाओ, वो हमारा नहीं है। ये बताएंगे कि गाड़ी आ रही है, आप साइड हो जाए। हाँ सही है, सही है। अगर आप दोनों हार गए ना, आप दोनों को पहनने पड़ेंगे हमारे कपड़े, जैसे कि तुम्हें पहनना पड़ेगा अनीता का सूट, यानी आप पहनेंगे घाघरा चोली। साड़ी पहन, अगर हम दोनों हार गए तो हम पहनेंगे आपकी शर्ट। हाँ सही है, सही है। बात सुने मम्मा, जो जीतेगा ना वो ना वो आंख मचोली नहीं होती, उसकी बारी देगा। मम्मा कोई ऐसा कोई पब्लिक ढेर दे दो, बताओ ना। जो हारेगा वो गंजा होगा। गंजा ना, ये पहले गुस्से गंजे हैं पहले भी। अच्छा, इनको तो खुद को गंजा होने का शौक लगा हुआ कि मैं जाता हूँ टेंट करा। गर्मी आ गई ना, गर्मियों में ही हमेशा टेंट करा लेते हैं, मुझे क्यों गंजा कर। हार गया। गोटे अंदर देखना, घर के अंदर। ओ नो, अनीता के छह आ गया। क्या मेरे किस्मत में छह नहीं है क्या? बस क्यों नहीं आ रहे मेरे? चार बार खेलो, दूसरा पांच। मैं तो खेलूंगी नहीं, ये नहीं होता ऐसे। ये गेम हो रही क्या हो रही? मैं नहीं खेल रही, मेरे छह ही नहीं आ रहे, मैं कब से बैठी हुई हूँ। आ जाएंगे, आ जाएंगे। ये देखो, ये अनीता के छह आ गए। अब नहीं आए तो मैं नहीं खेलूंगी। आ गए, आ गए छह। एक शुक्र निकटी। हाँ, सरप्राइज आ गया मेरा बच्चा। ओ माशाल्लाह, ये करके। तैयबा बताओ तो सही, फंक्शन कैसा हुआ था? अच्छा हुआ फंक्शन। इधर आओ जरा। मायू मेहंदी का फंक्शन था, टीचर के घर पर तैयारी की है, वहीं से रेडी होकर गई है, दुआ भी गई थी साथ में। और क्या खाया? मैंने बिरयानी खाई थी। बिरयानी खाई? हील ने थकाया तो नहीं? मजा आया था। बिरयानी का दुश्मन, बिरयानी का दुश्मन। हाँ, बिरयानी का दुश्मन आ गया। तो आप भी मायों पे चले जाते बिरयानी आपको खानी थी तो? पता ही नहीं, आप भी लगवा लेते मायों में। बस मैं जीतने वाली। अभी ना हमारा गेम यहाँ तक पहुँचे कि अनीता तो सबसे पहले जीत गई। हम दोनों की लड़ाई में मेरे हस्बैंड ने मेरी इतनी कोई गोटियाँ मारी, इतनी गोटियाँ, और मैंने भी इनकी नहीं छोड़ी। आप बचे हम तीन, आखिर में सबकी एक एक नहीं, रमजान की दो है, रमजान की दो गोटियाँ, ये येलो वाली, ये और एक ये। मेरी भी एक बची है, ये लाल, और मेरे हस्बैंड की भी एक बची है। चलो अब देखते हैं क्या करते हैं। छह आया, पांच एक। स्टॉप पे जा रही है सीधा, ये एक दो तीन चार पाँच छ, ये स्टॉप पे चली गई। अब आएगा भेड़ू मजा। गीता तो विनर हो गई ना। छे, ये पीछे पीछे जा रही है। अब बस मेरी इस गोटी को ना कितनी बार मारा है, हर दफा मेरी इस गोटी को मार देते, आखिरी गोटी बची और उसी को बार बार मारे। दो छ बच गई, मैं बैठी है चार पे, चार चार। ये मैं गई, आखिरी मेरी गोटी थी, कब से जीतने नहीं दे रहे मुझे। ये छह, एक दो और ये तीन, घर में पहुंच गए।
इतनी कोई मेरी गोटियां मारी है इतनी, अब आखिर में जाकर मैंने इनकी एक गोटी क्या मार दी है और मैं अंदर आई हूँ तो कहते हैं अब आगे मैंने गेम नहीं खेली। अब आपने क्या कहा था, ये कौन बताएगा, ये बताएंगे क्या बोला था इसने कि मैं गंजा हो जाऊंगा नेक्स्ट टाइम। कोई भी हमें से हारा तो वो गंजा हो जाएगा। अब आप खुद ही हार मान गए, एक गोटी मारी है हालांकि अभी खेल भी सकते हैं तो कहते मैं नहीं खेला मैं हार गया बस मान बस हो गया अभी भी है टर्न देख लो। तो इसके बाद हम गए थे अपना वॉक करने के लिए, वॉक यहाँ पर कर लिए बहुत तेजी से किए और पूरा ना ये दो गलियों का हम बाहर बाहर से चक्कर लगा कर आए पार्क नहीं गए। अब आप कहाँ निकाल रहे हो, बस पार्क नहीं थे ये गलियों का चक्कर लगा, ये देखो अभी लिखा है। चलो ठीक है बाय गुड नाइट इब्राहिम को मेरा प्यार देना। देखो यहाँ से चांद कितना कोई प्यारा लग रहा है कि दिल करता है कि बस हम ना इस चांद को देखते रहें, इतना कोई खूबसूरत लगता है कि नजर नहीं हटती चांद से। सफा अंदर आओ, एक अपनी स्कूटी लेके भाग पड़ा है। मैं अंदर जा रही हूँ, चलो अंदर छोड़ दो, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, मैं गेट बंद करना है मुस्तफ़ा प्लीज आ जाओ। अब इतना इसको आवाज़ें देते रहो ना इस टाइम पे, असल मेरे रात में ना कोई रश नहीं होता तो इस वजह से यहाँ पे स्कूटी निकलता है रेस देता है। और पहले ना इसे पता नहीं था स्पोर्ट मोड का, जब से इसने स्पोर्ट मोड लगाया ना तो स्कूटी को थोड़ा सा रेस तो इतना कोई मजे से चलती है, तो मैंने भी एक दो बार चलाई है ना बहुत मजा आता है। हम मेरी चप्पल पहन के गए हुए थे ना, मुझे बहुत सांस चढ़ती थी जब मैं वॉक करती थी पहले, अब वॉक करते करते ना थोड़ी आदत होगी अब इतना सांस नहीं चढ़ती। सोने की तैयारी करनी है यहाँ पर, तैयबा तो आकर सो गई अपने बेड पर, आयत अभी जाग रही है। इस रूम में देखो तैयबा अपने कपड़े वपड़े चेंज करके गई है, उसकी यही आदत ना कपड़े ना ऐसे जैसे होते हैं ना एक साथ ऐसे बना के रख देना, नहीं उसको सीधा सीधा बना के रखना होता है। बाकी इसके अलावा मुझे ये मिली है बिंदी, अभी ना मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको ना अपनी नोज पिन बना के देखूं। मैं आ गई हूँ अपनी साफ सुथरी बालकनी में और इसी के साथ अपना व्लॉग भी यहाँ पर एंड करना है, आपसे बातें करनी है। देखो मैंने बिंदी लगा ली है, मुझे सबर ही नहीं होया जा रहा था कि देखूं मुझे कैसा लगता है। बाकी मैं जाऊंगी सैटरडे को, मैंने बोला कि सैटरडे को दोबारा मैंने जाना है दिन के टाइम पर। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं जो मेरे हस्बैंड गेम हारे हैं उसमें बहुत सारे एक दूसरे को हम चैलेंज दे रहे थे, मतलब वो जो गेम हारेगा तो उसमें ये सजा मिलनी है, ये मिलना है, वो मिलना है। मेरे हस्बैंड ने बोल दिया था कि जो भी हारेगा वो गंजा होगा, तो गंजा तो कोई हो नहीं रहा। तो फिर खैर वो यहाँ से चले गए, कहते हैं सुबह आऊंगा, जो भी चैलेंज करना है जो भी वो सजा देनी है मुझे दे देना। तो पता है मैंने क्या सोचा है कल के दिन के लिए, इसमें जब मैं कमेंट रीड कर रही थी उसमें से एक कमेंट ये भी था कि आप चैलेंज करें कि आपके हस्बैंड 24 आवर आपको यस यस करें, मेरे हस्बैंड के साथ 24 आवर यस वाला चैलेंज करें कि मेरे हस्बैंड मुझे हर बात पे हाँ बोलेंगे। तो फिर बस मैंने यही सोचा भी, उनको पता नहीं है देखो कल आकर क्या करते हैं, तो पूरा चैलेंज करेंगे सुबह से हम रात तक। कल का दिन मिस मत करना, कल का दिन बहुत मजे का होने वाला है, अपनी मर्जी करेंगे कल के दिन में, अपनी मर्जी से अपनी बात मनवाएंगे। हाँ के चैलेंज वीडियोज ऐसे आप करती रहना इंशाल्लाह। अब मैं डेली तो नहीं चैलेंज वीडियो करूंगी लेकिन हाँ बीच में एक दो दिन छोड़ के, तीन दिन छोड़ के जैसा अपना ब्लॉग डेली का, और उसके बाद हम कोई ना कोई चैलेंज वीडियो, ताकि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट भी हो जाए और कुछ इंटरेस्टिंग हो और आप सबको भी देखने में मजा आए। तो बहुत अच्छा आइडिया दिया वैसे आप सबने। तो इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, बाय बाय।